हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 14 करेंगे हिंदी की दीवानों की हस्ती। तो ये जो है, इसमें आज हम दीवानों की हस्ती चैप्टर की आगे की कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले। तो आज हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी। अब कुछ नए शब्द। जग, जग का मतलब संसार। छक्कर, छक्कर मतलब मन भरकर या जी भरकर। अब इन पंक्तियों का अर्थ, जो पहली 4 पंक्तियाँ उनके माध्यम से जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह हमसे मत पूछो। अर्थात हमारी मंजिल जो है उसको मत पूछो। हमारा देह बस चलता जा रहा है, हमारा शरीर चलता जा रहा है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया, और इसके साथ ही हमसे जो मदद हुई वो की। तो ये 4 पंक्ति जो है, पहले उनका भावार्थ है, उनका अर्थ है। अब अगली 4 पंक्तियों का अर्थ है कि जो कवि है वो इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभवों को भी साझा किया। कुछ बात की खुशी मनाई और कुछ का गम भी मनाया। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले, उन दोनों को एक ही भाव से स्वीकार किया। तो ये इनका अर्थ है। अब क्वेश्चंस। पहला, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका जो देह है वो सिर्फ चलता जाता है, वह सिर्फ चलते जाते हैं। जग से कवि को क्या मिला? जग से कवि को सुख व दुख मिला। अब दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय है कि उन्होंने लोगों के कुछ अनुभवों को साझा किया और अपना अनुभव भी सबके संग शेयर किया, साझा किया। तो अब आगे का प्रश्न, कवि ने सुख और दुख को चक्कर पीने की बात क्यों कही? कवि ने सुख और दुख को चक्कर की बात इसलिए कही क्योंकि उन्होंने इन दोनों में आनंद लिया और वे समभाव से इन दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, अथवा सुख और दुख को एक ही चीज में स्वीकार कर रहे हैं। तो सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सुख में ना बहुत ज़्यादा खुशी हो और दुख में ना बहुत ज़्यादा दुख हो, इस तरह से हम इन्हें एक भाव से स्वीकार कर सकते हैं। अब गतिविधि, उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी पंक्ति सबसे अच्छी लगी बताएं। उपयुक्त पंक्तियों में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कवि कह रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह हमसे मत पूछो, हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा काम बस चलते जाना है, हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्क